सुप्रभात दर्शकों, स्वागत है आपका आज के राशिफल में। कैसा रहने वाला है आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे और किन बातों से आज आपको रहना चाहिए सावधान, आइए जान लेते हैं 17 सितंबर 2023 का राशिफल। ज्वाइन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी फॉर प्रोग्राम्स लाइक फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, लॉ एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। फॉर एडमिशन कॉल 8800697058। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आप एक कुशल व्यक्ति हैं और आज आप अपने कार्यों में अपनी अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपका समय काफी अच्छा बीतने वाला है और आज आपके कार्य की आपके ऑफिस में प्रशंसा होने वाली है। मेष राशि के जातकों, अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार में आज थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। और जहां तक बात युवाओं की है तो युवा जातकों को आज अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। जहां तक बात युवा जातकों की है तो आज उन्हें अपना करियर संवारने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आज आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी मेहनत करना होगा, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको धन लाभ हो सकता है और युवा जातकों के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि अगर आप कुछ नया करने का प्लान कर रहे हैं तो इस बात को आज किसी से भी शेयर ना करें जब तक कि आपका कार्य पूरा ना हो जाए। वृषभ राशि के जातकों, जहां तक बात आपकी सेहत की है तो आज आपको सेहत संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसीलिए आज अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो वहां भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों, आज आपको अपनी गलतियों को नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप अपनी गलतियों को अपने ऑफिस में छुपाते हैं तो आज आपके अधिकारी उसे पकड़ लेंगे और आज इससे आप परेशानी में फंस सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों, आज राजनीति के क्षेत्र में भाग्य आजमाने का दिन है। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो आज आपको राजनीति में अपना भविष्य जरूर देखना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों, इसके साथ ही आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और आज अपने गुस्से पर भी काबू रखें, वरना आज आपके कई बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी अच्छा बीतने वाला है। आप शार्प बुद्धि के व्यक्ति हैं, इसीलिए आज आप अपने विरोधियों को परास्त कर पाने में भी सफल रहेंगे। कर्क राशि के जातकों, आज व्यापार के नए नियमों को अपनाकर कोई बड़ा बदलाव आप अपने व्यापार में कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों, आज आप अगर एक युवा हैं तो आज आपको जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिनको आपको हर हाल में निभाना होगा। कर्क राशि के जातकों, आज आपको अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों, आज आपको अपने परिवार को समझना होगा और किसी प्रकार के बदलाव की कोशिश आज परिवार में ना करें, अन्यथा आज परिवार के सदस्य आपसे गुस्सा हो सकते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपका दिन काफी अच्छा बीतने वाला है। आज आप अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों को आगे बढ़ने का मौका भी देंगे। सिंह राशि के जातकों, अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। सिंह राशि के जातकों, आज अपने मन की शांति के लिए आप मंदिर जा सकते हैं और आज भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपका दिन अच्छा बीते। सिंह राशि के जातकों, आज आपको कोई एलर्जी संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए आज अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखें। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। आज आप अपने कार्यालय में अपनी प्रतिभा से, अपने प्रभाव से लोगों को आनंदित करेंगे और आज आपका मान सम्मान भी आपके ऑफिस में बढ़ने वाला है। कन्या राशि के जातकों, आज आपके अधिकारी आपसे खुश रहेंगे और कन्या राशि के जातकों, आज आप अपना भाग्य व्यापार में भी आजमा सकते हैं। आपको आज कामयाबी जरूर मिलेगी। कन्या राशि के जातकों, अगर आप व्यापार करते हैं तो आज पार्टनरशिप में आपको व्यापार करने से लाभ हो सकता है, क्योंकि आज आपका साथी आपका भरपूर साथ देने वाला है। कन्या राशि के जातकों, आज आपको अपने प्रेम संबंध को भी आगे बढ़ाना चाहिए और अपने पार्टनर से बातचीत करनी चाहिए। इसके साथ ही कन्या राशि के जातकों, आज आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। आज आप अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान भी रखें, लेकिन आज आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आपका दिन आज काफी अच्छा बीतने वाला है। अगर आपने हाल ही में कोई नई नौकरी ज्वाइन की है तो आज आप कड़ी मेहनत करें, इससे आज आप अपने अधिकारियों का विश्वास जीत पाने में काफी सफल होने वाले हैं। तुला राशि के जातकों, आज आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी अच्छा बीतने वाला है। अगर आपने हाल ही में कोई नई नौकरी ज्वाइन की है तो आज ऑफिस में खूब मेहनत करें, क्योंकि आज इससे आपके अधिकारी प्रसन्न होंगे और आपको शाबाशी भी देंगे। तुला राशि के जातकों, आज आपको अपने व्यापार को बढ़ाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तुला राशि के जातकों, अगर आप एक व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो आज आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। जहां तक बात युवाओं की है तो आज युवा अपने नए ढंग से नए कार्यों को करेंगे और अपने करियर को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुला राशि के जातकों, जहां तक बात आपकी सेहत की है तो आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपने घर से निकले, आज आपके सारे कार्य पूरे होंगे। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपका दिन ठीक ठाक बीतने वाला है। आप जिस क्षेत्र में
में नौकरी करते हैं वहाँ आज आपको कोई नई क्रिएटिविटी करने का मौका मिल सकता है। आपके अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं और आज आपको बोनस इत्यादि भी प्राप्त हो सकता है वृश्चिक राशि के जातकों। लेकिन आज आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। आज परिवार की दृष्टि से भी आपका दिन सामान्य रहने वाला है। आज आप अपने परिवार के लिए समय निकालें और आज आपको अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों आज आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि कोई पुरानी बीमारी आज आपको परेशान कर सकती है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा कष्टदायी हो सकता है क्योंकि आज आपके अधिकारी आज आपसे नाराज हो सकते हैं। धनु राशि के जातकों आज आपके परिवार के सदस्य खुश रहेंगे और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है लेकिन आज आप मेहनत करेंगे तो इसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। धनुराशि के जातकों आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं परंतु अपनी यात्रा आरंभ आप किसी धार्मिक स्थान से करें तो यह काफी अच्छा रहेगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों आज आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आज आप अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करें क्योंकि आज आपके द्वारा किया गया कार्य आपके अधिकारियों को खुश कर सकता है। मकर राशि के जातकों आज व्यापार को लेकर थोड़ा आप चिंतित रह सकते हैं। व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई अधिक धन का लेन देन आज ना करें। मकर राशि के जातकों आज आपके व्यापार में उतार चढ़ाव इस तरह बना रहेगा। जहां तक बात युवा जातकों की है तो आज आप अपने सकारात्मक व्यवहार से सभी का दिल जीत पाने में सफल होने वाले हैं। मकर राशि के जातकों आज आपको अपने बड़े व्यक्तियों से बातचीत करते समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि आज आप कोई ऐसी बात उनसे कह सकते हैं जिससे वे आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए मकर राशि के जातकों आज अपनी वाणी पर संयम रखें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों आपका दिन आज अच्छा बीतेगा। अगर आप नौकरी करते हैं एक जॉब करते हैं तो आज आपका दिन इस लिहाज से भी काफी अच्छा है। कुंभ राशि के जातकों आज आपको अपने सहकर्मियों और अपने अधिकारियों से तालमेल बिठाकर ऑफिस में चलना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों आज आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिससे आप बहुत परेशान रहेंगे और आज आपका बहुत अधिक धन भी इसमें खर्च हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों जहां तक बात आपकी पढ़ाई की है तो आपको अपने सिलेबस का रिवीजन करना चाहिए क्योंकि इससे आपको एग्जाम में काफी फायदा होगा। कुंभ राशि के जातकों आज जहां तक बात आपकी सेहत की है तो आज हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन करें क्योंकि बाहर का तला भुना हुआ खाना आज आपके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक बीतने वाला है। अगर आप एक नौकरी करते हैं तो आज आपको अपने सहकर्मियों में चापलूसों से बचकर रहने की आवश्यकता है वरना कोई आपकी आज चुगली कर सकता है। मीन राशि के जातकों जहां तक बात व्यापार की है तो आज आपको अपने व्यापार में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि कोई कार्य आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो आज इस फैसले को टाल दें क्योंकि आज व्यापार के लिहाज से आपका दिन अच्छा नहीं है। मीन राशि के जातकों आज आपका स्वास्थ्य जो है वो सामान्य बना रहेगा लेकिन काफी दिनों से अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है। मीन राशि के युवा जातक आज आप अपने किसी कार्य को पूरा न होने के कारण परेशान रह सकते हैं जिस कारण से आपका मूड काफी खराब रह सकता है। मीन राशि के जातकों इस तरह आज आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दर्शकों ये था 17 सितंबर 2023 का राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।